ये बदमाश? कहीं छिपा हुआ होगा, जा जाके ढूंढ के ला। सही कह रही है गुलाल, मैं बस देख के आती हूँ। रोहन, पूनम बेवा, आप भाई बहुत अच्छा लगा। ऐसे आती रहिएगा, गुलाल को भी अच्छा लगता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जरूर आऊंगी मैं, और बेटी की खुशी से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। रेवा के बचपने के लिए हम आपसे माफी मांग। अरे अरे, आप ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? रेवा की कोई गलती नहीं है, और वैसे भी वो हमारी बहू नहीं, बेटी है। ठीक वैसे ही जैसे गुलाल आप दोनों के लिए है। मैं जानती हूँ कि गुलाल का भी इस घर में वही स्थान है जो रेवा का हमारे घर में। आप और पानबा का गुलाल पर अधिकार हमसे ज्यादा है, और उसके प्रति कर्तव्य भी। पर यकीन मानिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने जानबूझकर किया या नहीं? इससे यह सच तो नहीं बदल जाएगा कि मेरा भाई वहां हॉस्पिटल में जख्मी हालत में भर्ती है। वैसे तुम हो कौन? इससे पहले गांव में कभी देखा नहीं तुम्हें? जी मैं कई सालों के बाद शहर से लौटा हूं। तुम किसके बेटे हो? इस गांव के सरपंच का। अरे भाई, अरे मरना है क्या? परसों तू क्या हुआ? दुष्यंत, बात ही कुछ ऐसी है कि वो जो पक्की सड़क है ना शहर की तरफ जाती है, हाँ, वहां पे मैंने केसर को किसी के घर में जाते हुए देखा। किसके घर में ये तो नहीं पता, पर हाँ बाहर ही वहां कुछ किन्नर नाच रहे थे। गुलाल, यहां मुझे अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत मुश्किल भी होती है। मैं अपनी अलमारी में जो चीज जहां रखता हूं वो वहां कभी मिलती नहीं है, सब इधर उधर हो जाता है। क्या करूं, आदत जो नहीं है। मेरी सारी चीजों का ख्याल तो तू ही रखती थी ना। गुलाल, तू मेरे पास क्यों नहीं है? केसर? हाँ? क्या हुआ, हड़बड़ा क्यों गया? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। चल नीचे आ जा, खाना तैयार है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। गुलाल, क्यों इस अच्छे खासे चलते हुए कारखाने को बंद करवाना चाहती है तू? तेरी बकवास सुन के ये बेचारी भाग जाएंगी, फिर किसकी मदद करवाएगी तू? पहली बात तो तू यहाँ आई कैसे अचानक से? घर पे किसी को तेरे इस महान विचार के बारे में पता भी है या नहीं? पता है, और गुलाल ने खुद मुझे यहाँ भेजा है। गुलाल ने तुझे यहाँ भेजा? हाँ। अब समझा, घर पे तूने उसका सर खाया होगा इसलिए पीछा छुड़ाने के लिए तुझे मेरे पास भेज दिया होगा, मेरा सर खाने। ऐसा कुछ नहीं है, कब से तो तू बकबक किए जा रहा है, और वैसे भी तेरे इन बेकार बातों से ना मेरा समय बर्बाद मत कर। तू कब से समझदारी की बात करने लगी है? अभी भी बता रहा हूँ, भाग जाएंगे बेचारे। कोई नहीं भागेगा, ना ये और ना तू। मैं तो भाग जाऊंगा।